बचाओ, मेरी बहन को कौन ले जा रहा है? यह तो कोई मायावी जगह है। वह मैस्टिक वाला शैतान उस लड़की को पकड़कर नदी में ले जाने लगता है। एक बार कुछ नागिन की बेटियां नागलोक से धरती लोक आ जाती हैं और एक नदी के पास उतरती हैं। एक नागिन कहती है, धरती लोक तो बहुत ही सुंदर जगह है, देखो यह नदी कितनी सुंदर है, चलो इसमें स्नान किया जाए। ऐसा कहकर वह नागिन जैसे ही नदी की तरफ बढ़ती है, तभी अचानक नदी में से एक शैतान और दो चुड़ैले बाहर आती हैं। वह सभी इनविजिबल होते हैं, जो कि नागिन को दिखाई नहीं देते। तभी वह शैतान नागिन को पकड़ लेता है और नदी की तरफ घसीटने लगता है। नागिन की बेटी घबराते हुए कहती है, यह तो कोई शैतानी नदी है, मुझे कौन पकड़ कर ले जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बहनों जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सब भी मारी जाओगी। बाहर खड़ी सभी नागिन की बेटियां घबरा जाती हैं और कहती हैं, हमारी बहन को कौन पकड़ कर ले जा रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा। सभी नागिन की बेटियां घबराकर वहां से भाग जाती हैं। फिर मैस्टिक वाला शैतान उस नागिन को चट्टान से बांध देता है और कैद कर लेता है। तभी शैतान को कुछ अजीब लगता है। शैतान कहता है, मुझे एक और नागिन की बेटी की खुशबू आ रही है, उसे भी पकड़ कर लेकर आता हूँ। तभी वह शैतान नदी के बाहर आकर देखता है कि दो भाई बहन पास में ही गाय चरा रहे थे। शैतान कहता है, अरे यह तो इंसान है, लेकिन मुझे तो इसमें से नागिन की गंध आ रही है, जरूर ये नागिन की ही बेटी है। शैतान उस लड़की पर शक्ति छोड़ता है ताकि वह पता लगा सके कि वह कौन है। तभी शैतान फ्लैशबैक में चला जाता है और वह देखता है कि एक नागिन माँ अपनी बेटी को एक किसान को वरदान में दे दिया था, क्योंकि किसान को कोई संतान नहीं थी। शैतान कहता है, यह तो नागिन की बेटी है, अगर इसे पकड़ लिया और कैसे भी इसकी शक्ति छीन ली तो मैं नागलोक पर कब्जा कर पाऊंगा। भैया मैं नदी में थोड़ा पानी पीकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान उस लड़की को पकड़कर नदी में ले जाने लगता है। तभी बंटी यह सब देख लेता है। बंटी कहता है, बचाओ, मेरी बहन को कौन ले जा रहा है, यह तो कोई मायावी जगह है। वहीं दूसरी तरफ नागलोक में नागिन की बेटियां नागिन माँ से बोलती हैं, रानी माँ हमारी बहन को कोई अदृश्य चीज उठा ले गई है और हम कुछ नहीं कर पाए और डर के मारे यहाँ भाग आए, आप जल्दी चलिए और उसे बचाइए। तभी नागिन तुरंत वहाँ से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी कहता है, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे देखा ना जा सके। तभी बंटी यहाँ वहाँ देखता है, फिर उसे एक पेड़ की टहनी पर एक जादुई चश्मा लटका हुआ नजर आता है। बंटी वह चश्मा तोड़ लेता है और पहनता है। तभी बंटी को नदी के अंदर का नजारा दिखने लगता है कि उसने उसकी बहन को कहाँ बंदी बना रखा है। बंटी कहता है, अच्छा तो ये वो शैतान है जो यज्ञ कर रहा है, और ये तो मुझे चुड़ैले लग रही हैं। वो रही मेरी बहन जो बंधी हुई है। इस मैस्टिक वाले शैतान ने तो नागिन को भी बंदी बना रखा है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बचाऊं? तभी वहाँ नागिन माँ पहुँच जाती है। बंटी नागिन माँ को देखकर कहता है, नागिन माँ मेरी बहन को और एक नागिन को मैस्टिक वाला शैतान उठा ले गया है, मेरी बहन वहाँ बंदी बनी हुई है और वह शैतान वहाँ यज्ञ कर रहा है। तभी नागिन नदी में देखती है, लेकिन नागिन को कुछ नजर नहीं आता। नागिन कहती है, धरती लोक आने से हमारी शक्तियाँ कम हो गई हैं और हमें वह नजर नहीं आ रहा, तुम किस शैतान की बात कर रहे हो, वह नागिन और तुम्हारी बहन कहाँ है? तभी बंटी सब समझ जाता है और नागिन माँ को चश्मा देकर कहता है, यह लो जादुई चश्मा जिसके जरिए आप उनको देख पाओगे। नागिन माँ चश्मा पहन लेती है और देखती है कि वह शैतान यज्ञ कर रहा है। नागिन कहती है, अच्छा तो यह शैतान मेरी बेटियों की शक्तियाँ छीनने के लिए यज्ञ कर रहा है, अगर ये इस मकसद में कामयाब हो गया तो नागलोक को कोई नहीं बचा पाएगा, इससे पहले मैं इसे मार देती हूँ। ऐसा कहकर नागिन बिना टाइम गवाए नदी में छलांग लगा देती है। वह सबसे पहले बंटी की बहन और नागिन की बेटी को बचाने के लिए उन दोनों चुड़ैलों को मारती है। वह नागिन जैसे ही चुड़ैलों को मारती है, तभी मैस्टिक वाला शैतान यह सब देख लेता है और नागिन को मारने के लिए भागा भागा आता है और कहता है,
मैं इनविजिबल मैजिक वाला शैतान हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख सकता था, लेकिन तुम्हें यह जादुई चश्मा कहाँ से मिला जिसकी वजह से तुम मेरी मायावी नगरी को देख पा रही हो? नागिन कहती है, शैतान तू तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा, मैं तुझे और तेरे माया जाल को अभी खत्म कर देती हूँ। नागिन मैजिक वाले शैतान पर अपनी शक्ति छोड़ती है, तभी मैजिक वाला शैतान गायब होकर दूसरी जगह पहुँच जाता है और हंसने लगता है। नागिन बिना टाइम गवाए सारी शक्तियाँ छोड़ देती है, जिससे वह शैतान बच नहीं पाता और वहीं मर जाता है। फिर क्या था, नागिन अपनी दोनों बेटियों को छुड़ाकर नदी से बाहर निकल जाती है। तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। एक समय की बात है, खुद शैतान अपनी गुफा से निकलकर गांव में जाकर मछलियों की खेती किया करते थे। एक शैतान कहता है, अरे भाई इस बार तो खेतों में मछलियां बहुत ही ज्यादा हुई हैं। चलो चुड़ैल रानी के भोजन का समय हो गया, जल्दी से इन मछलियों को बेचते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान मछलियों को लेकर बेचने चले जाते हैं। आओ भाई आओ, मछलियां ले जाओ, बहुत ही ताजा ताजा जमीन से उगाई हुई मछलियां हैं, स्वादिष्ट मछलियां खाओ। तभी गांव का एक व्यक्ति मछलियां खरीदने के लिए आता है। अरे भाई कितने की दी ये मछलियां? शैतान कहता है, 10 रुपए किलो। यह तो बहुत ही महंगी है भाई। अच्छा तो तुम्हें सस्ती चाहिए, आ जाओ मेरे साथ, कमरे में बहुत ही सस्ती सस्ती मछलियां रखी हुई हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति शैतान के साथ कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है, वह शैतान उस व्यक्ति की मुंडी काटकर और उसे बोरी में डाल लेता है। सभी शैतान गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर शैतान उस सरकटे व्यक्ति को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानो, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो, जिस दिन मैं 100 आदमी खा लूंगी मैं तुम्हें शैतान रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी, तुम पृथ्वी लोक पर राज करना और जितने चाहे उतने आदमी खाना। अब जाओ और जाकर मछलियों की खेती करो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल शैतानों के खेतों में जाती है और एक मछली को उखाड़ कर खाती है। चुड़ैल कहती है, वाह क्या स्वादिष्ट मछली है, अगर यह मछली इतनी स्वादिष्ट है तो इनकी रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी, उसको भी खाऊंगी। तभी वह शैतान को बुलाती है और कहती है, शैतानों जाओ जलपरी को लेकर आओ, जलपरी को खाते ही मैं तुम्हें शैतान के रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक का महाराजा बना दूंगी। यह बातें बंटी सुन रहा होता है। बंटी भागा भागा जलपरी के पास जाता है और जलपरी से कहता है, क्या हुआ बंटी, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? जलपरी बहन, खुद शैतान और एक भयानक चुड़ैल आपको मारकर खाने की बात कर रहे थे और यहीं आ रहे हैं। तभी जलपरी कहती है, घबराओ नहीं बंटी, उन्हें यहाँ आने दो, लेकिन तुम जल्दी जाओ और सभी गांव वालों से बोलो कि वह 1000 माचिस की तिल्ली का एक पुल बनाए, वह चुड़ैल माचिस की तिल्ली से ही मारी जाएगी। ऐसा सुनते ही बंटी गांव भागा भागा जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले जल्दी से 1000 माचिस का एक पुल बना देते हैं और जलपरी के पास लेकर पहुँच जाते हैं। तभी बंटी कहता है, जलपरी रानी मेरे पास एक आइडिया है चुड़ैल को इसके ऊपर लाने का। जलपरी कहती है, बताओ बंटी तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तभी बंटी जलपरी के जैसा एक पुतला बनाता है और उसे पुल पर रख देता है। जलपरी यह देख सब समझ जाती है और जैसे ही शैतान और चुड़ैल वहां आने लगते हैं, सभी छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है, जलपरी क्या बात, पानी को छोड़कर इस पुल पर आराम फरमा रही हो, आओ जल्दी आओ अब मेरा खाना बन जाओ, तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी बंटी दूर से बोलता है जलपरी की आवाज में, चुड़ैल मैं वहाँ चलकर नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर मुझे खाना होगा। चुड़ैल जलपरी को देखकर इतनी उतावली हो गई थी कि उससे रहा नहीं गया और वह भागी भागी पुल पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि जलपरी असली नहीं है, वह तो एक पुतला है। चुड़ैल कहती है, तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ।
लेकिन इससे पहले कि वह वापस उतरती, बंटी उस पुल को आग लगा देता है। सभी माचिस की तीली एक एक करके जल जाती हैं। और चुड़ैल 1000 माचिस की तीली में जलकर मर जाती है। सभी शैतान ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भाई, चुड़ैल का काम तमाम हो गया, जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। सभी शैतान गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जलपरी सभी गांव वालों और बंटी को कहती है, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जलपरी भी मिल गई और नाग और नागिन भी मिल गए। बहुत समय पहले की कहानी है, बहुत सारे शैतान लोक से निकलकर धरती लोक आ जाते हैं और एक मैच बॉक्स गुफा का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर वह सभी शैतान तपस्या करने लगते हैं और कहते हैं, जागो चुड़ैल की रानी, जागो, हमें आपकी बहुत जरूरत है, हम यहाँ पृथ्वी लोक पर कब्जा करने आए हैं, जल्दी आओ चुड़ैल की रानी, हमारी सहायता करो। उनके ऐसा कहते ही एक रोशनी नजर आती है। रोशनी में से आवाज आती है, क्या हुआ, मुझे क्यों जगाया जा रहा है? शैतान कहता है, चुड़ैल की रानी, हम पृथ्वी लोक पर कब्जा करने आए हैं और यहाँ पर सभी इंसानों और बच्चों को मारने के लिए आए हैं, लेकिन इसके लिए हमें आपकी शक्तियों की जरूरत है, हमारी मदद करें चुड़ैल की रानी। चुड़ैल कहती है, मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, अगर तुम मुझे जलपरी का खून लाकर दोगे, उसे पीकर ही मेरी ताकत बढ़ेगी, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। उनकी यह बातें बंटी सुन रहा होता है। फिर वह सभी शैतान जलपरी को लेने के लिए तालाब के पास चले जाते हैं और वहां जाकर अपनी शक्तियों से पूरे तालाब का पानी सुखा देते हैं। जलपरी बाहर आ जाती है। तभी एक शैतान बेहोशी का धुआं छोड़ता है और जलपरी को बेहोश करके ट्रक पर जलपरी को वह वहां से ले जाते हैं। गुफा में पहुंचकर वह जलपरी का खून चुड़ैल को पिला देते हैं। चुड़ैल तभी उस रोशनी में से बाहर आ जाती है। चुड़ैल कहती है, बहुत मजा आ गया, जलपरी का खून पीकर तो मैं तरोताजा हो गई, लेकिन अभी मैं बहुत कमजोर हूँ, अगर तुम सब मुझे नागराज और नागिन का खून लाकर दोगे तो मैं शीघ्र अति शीघ्र पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। दो मुंह वाला शैतान कहता है, जो हुकुम रानी साहिबा। वही बंटी वह सारी बातें सुन लेता है। बंटी कहता है, इन सभी ने तो जलपरी को मार दिया और उसका खून चुड़ैल को पिला दिया, अब ये नाग और नागिन को ही पकड़ने जा रहे हैं, अब दुनिया को इनसे कोई नहीं बचा पाएगा। बंटी तभी भागा भागा गांव जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। ऐसा सुनकर गांव में हाहाकार मच जाता है और सभी यहां वहां भागने लगते हैं। तभी बंटी कहता है, मुझे ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ वह शैतान नाग और नागिन को लेने के लिए नागलोक पहुँच जाते हैं और वह नागलोक पर हमला कर देते हैं। हर तरफ आग ही आग फैल जाती है जिससे वहाँ के सभी नाग मर जाते हैं। तभी नाग और नागिन शैतानों के सामने आ जाते हैं। तभी एक शैतान फिर से बेहोशी वाला धुआं छोड़ता है जिससे नाग और नागिन बेहोश हो जाते हैं। फिर वे सभी राक्षस एक ट्रक में नाग और नागिन को लादकर पृथ्वी लोक निकल जाते हैं और गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी शैतान चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल रानी, यह लो, हम नागिन और नागराज को ले आए। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानों। वहीं दूसरी तरफ बंटी अपनी कलाकारी से फायर ट्रक बनाता है जो पानी भी छोड़ता है और आग भी छोड़ता है। वह बिना टाइम गवाए उस फायर ट्रक को लेकर गुफा की तरफ निकलता है। बंटी कहता है, मैं चुड़ैल और राक्षस को पृथ्वी लोक पर कब्जा होने नहीं दूंगा और नाग और नागिन को बचाऊंगा। तभी बंटी गुफा के पास पहुंच जाता है और मैच बॉक्स दरवाजे पर आग से वार करता है। वह दरवाजा जल जाता है। तभी उसे राक्षस देख लेते हैं। सभी शैतान आग का वार करते हैं, लेकिन बंटी ने फायर ट्रक बनाया था। बंटी अपने ट्रक से पानी की बौछार करता है। जैसे ही वह पानी शैतानों पर पड़ता है, वह सभी शैतान पानी पानी हो जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। अब बस चुड़ैल बची हुई थी। चुड़ैल भागी भागी बाहर आती है। तभी बंटी पानी की बौछार करके उसकी आग को बुझा देता है और उस पर आग से फायर करता है। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है।
इतने में नाग और नागिन को होश आ जाता है। नागराज अपनी शक्तियों से जलपरी को जिंदा कर लेता है और बंटी से कहता है, बंटी तुम तो बहुत ही तेज दिमाग बच्चे हो, तुमने आज पृथ्वी लोक को बचा ही लिया। और चुड़ैल की खूब धुलाई करता है। मोटू राक्षस, आज से तुम हमारे दोस्त और हम तुम्हारे दोस्त। बहुत समय पहले की घटना है, कुछ गायें आपस में चारा चर रही होती हैं। तभी अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर सभी गायें उस बच्चे के पास जाती हैं। बच्चे को देखकर एक गाय बोलती है, अरे बहन, लगता है ये किसी राक्षसनी का बच्चा है, इसकी राक्षसनी माँ यही कहीं होगी। तभी उन सभी गायों को नजर आता है कि उसकी राक्षसनी माँ मर चुकी होती है। गाय बोलती है, इसकी माँ मर गई लगता है, इसे तो हमें ही पालना होगा। तभी दूसरी गाय बोलती है, अरे बहन, ये राक्षस का बच्चा है, ये बड़ा होकर हमें ही खा जाएगा, चलो चलो इसे यहीं रहने दो। फिर एक गाय बोलती है, अरे नहीं बहन, ये यहाँ मर जाएगा, इसे तो मैं ही पाल लूंगी। ऐसा कहते ही वह बच्चे को उठा लेती है और अपनी पीठ पर बिठा लेती है और वहाँ से चलने लगती है। तभी एक गाय बोलती है, रुक जाओ बहन, हमारी बात मान लो, उसे गांव वाले मार देंगे। लेकिन वह गाय उनकी बातों को नहीं सुनती और गांव निकल पड़ती है और अपने स्थान पर पहुंच जाती है। तभी सभी गांव वालों को पता लग जाता है कि एक गाय राक्षस का बच्चा उठा लाई है। वह सभी गांव वाले लाठियां लेकर गाय के पास जाते हैं और कहते हैं, ए गाय, तुझे समझ नहीं आता, यह किसी राक्षस का बच्चा है और यह बड़ा होकर पूरे गांव वालों को ही खा जाएगा। तुम इसे जहाँ से लाई हो उसे वापस वहीं छोड़ाओ, नहीं तो हम इसे मार देंगे। तभी गाय माँ बोलती है, नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगी, अगर आप सभी को इससे कोई आपत्ति है तो मैं इसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा कहते ही वह गाय बच्चे को लेकर चली जाती है और एक जंगल में ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगती है। वह राक्षस का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। गाय उसका नाम मोटू रखती है क्योंकि वह राक्षस बहुत ही मोटा होता है और भारी होता है। कई बार वह राक्षस घूमते घूमते गांव पहुंच जाता था। जो बच्चे वहां खेल रहे होते थे तो वह उसे देखकर अक्सर भाग जाया करते थे। तभी भागते भागते एक बच्चा बोलता है, अरे दोस्तों, मोटू राक्षस आ गया, यह हमें पकड़कर खा जाएगा, अपनी जान बचाकर भागो। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, अरे नहीं, ये हमें नहीं खाएगा, ये तो हमें खड़ा खड़ा देख रहा है। फिर सभी बच्चे खड़े होकर मोटू राक्षस का मजाक उड़ाते हैं और उस पर पत्थर मारने लगते हैं। मोटू राक्षस वहाँ से भाग जाता है और मोटू राक्षस बहुत ही उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल गांव पर हमेशा हमला करती रहती है। चुड़ैल कहती है, नुम, 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 मैं बहुत भूखी हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। उसके डर से गांव वाले इधर उधर भागने लग जाते हैं और कहते हैं, अरे भागो रे गांव वालों, अपनी जान बचाकर भागो, लगता है इस चुड़ैल का एक साल पूरा हो गया, यह अब किसी को नहीं छोड़ेगी। वह चुड़ैल गांव के कुछ बच्चों को और गांव के बैलों को उठाकर ले जाती है और कहती है, गांव वालों, मैं अगले साल फिर आऊंगी। दूसरी तरफ मोटू राक्षस की गाय माँ बोलती है, एक चुड़ैल गांव वालों पर हर साल हमला करती है और गांव वालों के बच्चों को और पशुओं को उठाकर ले जाती है, तुम भी बड़े हो गए हो, अब समय आ गया है कि तुम गांव वालों की रक्षा करो। तभी मोटू राक्षस बोलता है, नहीं, मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तब उन्हीं गांव वालों ने हमें डंडे मारकर भगा दिया था। तभी गाय माँ बोलती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, जाओ उनकी रक्षा करो, गांव वाले तुम्हें सम्मान जरूर देंगे और धीरे धीरे तुम गांव वालों के चहेते बन जाओगे। तभी मोटू राक्षस थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है माँ, मैं उनकी रक्षा करूँगा। ऐसा कहते ही मोटू राक्षस अपनी माँ के साथ गांव निकल पड़ता है और जैसे ही एक साल पूरा होता है वह चुड़ैल दोबारा वहाँ आती है। चुड़ैल कहती है, एक साल पूरा हो गया, अब मैं बहुत भूखी हूँ, मैं इन सबको उठाकर ले जाऊंगी और ले जाकर खा जाऊंगी। मोटू राक्षस चुड़ैल को देख लेता है और चुड़ैल के पास जाकर कहता है,
चुड़ैल तेरे पाप का घड़ा भर गया है क्योंकि अब मोटू राक्षस आ गया है। मैंने गांव वालों की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया है और अब तू अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे। मोटू राक्षस चुड़ैल की तरफ दौड़ता है और चुड़ैल की खूब धुलाई करता है। यह दृश्य सभी गांव वाले देख रहे होते हैं। गांव वाले कहते हैं, यह तो राक्षस बहुत ही अच्छा है, हमें मोटू राक्षस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मोटू राक्षस चुड़ैल को मारता मारता दूर ले जाता है। इतनी मार खाने के बाद चुड़ैल का दम निकल जाता है और चुड़ैल वहीं मर जाती है। तभी गांव के सभी बच्चे वहां आ जाते हैं और मोटू राक्षस से कहते हैं, मोटू राक्षस आज से तुम हमारे दोस्त और हम तुम्हारे दोस्त। तभी एक जलपरी जेसीबी के पंजे में फंस जाती है और जलपरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक भयंकर शैतान रास्ते में आ जाता है। यह बहुत समय पहले की कहानी है। समुद्र की विचित्र दुनिया से होते हुए कुछ जलपरियाँ तालाब की तरफ आ जाती हैं और उस तालाब का आनंद लेने लगती हैं। एक जलपरी कहती है, बहन ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, क्यों ना कुछ दिन यहीं रुका जाए। ऐसा कहकर जलपरियाँ वहीं रहने लग जाती हैं। वहीं पास में दो मछुआरे तालाब में मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक मछुआरा बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान होता है और दूसरा मछुआरा बहुत ही घमंडी और लालची होता है। वह दुष्ट और लालची मछुआरा हमेशा ही अपनी जेसीबी से मछलियाँ पकड़ा करता था। वह ऐसा इसलिए किया करता था क्योंकि वह जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था। तभी वह लालची मछुआरा अपनी जेसीबी के पंजे को तालाब में डालता है और वहीं पर ही वह जलपरियां भी घूम रही थी। तभी एक जलपरी जेसीबी के पंजे में फंस जाती है। मछुआरा जेसीबी के पंजे को ऊपर उठाता है। वह दोनों ही यह देख हैरान हो जाते हैं कि उसमें एक जलपरी फंस गई थी। लालची मछुआरा यह देख बहुत खुश होता है। वह कहता है, यह क्या भाई, जलपरी आ गई, आज तो मेरे हाथ बहुत ही बड़ा खजाना लग गया, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तभी ईमानदार मछुआरा कहता है, यह जलपरियां समुद्र का संचालन करती हैं भाई, इन्हें वापस छोड़ दो, हमारा काम सिर्फ मछलियां पकड़ना है, जलपरियां नहीं। तभी वह दुष्ट मछुआरा सोचने लगता है, मेरे हाथ एक जलपरी लगी है, यह बात गांव में ना पहुंचे, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तभी वह लालची मछुआरा एक चाकू निकालता है और उससे अच्छे मछुआरे को चाकू मार मार कर उसे वहीं मार देता है और जलपरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक भयंकर शैतान उसके रास्ते में आ जाता है। वह भयंकर शैतान कहता है, सुन रे लालची मछुआरे, मुझे पता है तू जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, मैं तेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, मैं इस जलपरी के बदले तुझे हीरे जवाहरात दूंगा जिससे तू अमीर हो जाएगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी। मछुआरा कहता है, कैसी बात। भयंकर शैतान कहता है, क्योंकि जलपरियां समुंदर और तालाब में बहुत ही ताकतवर होती हैं, मैं उन्हें वहां नहीं पकड़ सकता, तुम्हें उन्हें पकड़कर मुझे यहां लाकर देना होगा, जलपरियों को खाकर मेरी उम्र बढ़ती है, अगर तुम ऐसे ही जलपरियां लाते रहे तो तुम भी एक दिन अमर हो जाओगे और तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा, और इतना ही नहीं अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बुलाना, तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा, जलपरियों के बदले में मैं तुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा जिसे लेकर वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। लालची मछुआरा कहता है, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। भयंकर शैतान कहता है, ठीक है सौदा पक्का हुआ। ऐसा कहकर वह शैतान उस जलपरी को गुफा में ले जाता है और बाहर आकर हीरे जवाहरात लालची मछुआरे को दे देता है। लालची मछुआरा हीरे जवाहरात जेसीबी में रखकर वहां से चला जाता है और गांव में जाकर कुछ ही दिनों में अपना एक बहुत बड़ा घर बनवा लेता है। उसका इतना बड़ा घर देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी ऐसी तरक्की देख गांव का सरपंच सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैं गांव में सरपंच होते हुए भी इतना नहीं कमा पाता जितना यह अचानक कमाने लगा, दाल में कुछ काला है, पता लगाना होगा। ऐसा कहकर सरपंच एक दिन लालची मछुआरे के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वह मछुआरा जेसीबी से एक जलपरी को पकड़ लेता है। जलपरी को पकड़ते ही वहाँ एक दुष्ट शैतान आ जाता है और वह जलपरी को अपनी गुफा में ले जाता है। जलपरी के बदले में शैतान हीरे जवाहरात देता है
सरपंच यह सब देख सब समझ जाता है। तभी सरपंच को अच्छे मछुआरे की डेड बॉडी नजर आती है। सरपंच कहता है, यह मछुआरा तो बहुत ही अच्छा था, लगता है इसने भी मेरी तरह इन्हें देख लिया होगा, इसलिए इन्होंने इसे मार दिया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो समुन्द्र की जलपरियां खतरे में आ जाएंगी, जिसकी वजह से कोई भारी प्रलय गांव पर आ सकती है। तभी सरपंच भागा भागा गांव में जाता है और तुरंत सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, यह देख रहे हो, ये दुष्ट मछुआरे का घर है। यह घर ऐसे ही नहीं बन गया, पता नहीं उसने कितनी जलपरियों को शैतान के हाथों दे दिया और शैतान उन्हें खा गया। वह शैतान जलपरियों के बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देता है, उस धन से ही यह घर बनाया गया है। हमें उस दुष्ट मछुआरे को सबक सिखाना होगा और उस शैतान को भी जो जलपरियां खा रहा है। चलो सभी एक साथ होकर मेरे साथ चलो। तभी सभी गांव वाले जिसको जो मिला वह उठाकर सरपंच के पीछे पीछे जाने लगता है। सभी वहां देखते हैं कि मछुआरा जलपरी को पकड़ रहा था और शैतान को दे रहा था। वह सभी गांव वाले बिना टाइम गवाए मछुआरे को लाठियों से पीटने लगते हैं और एक गांव वाला जेसीबी पे चढ़कर जलपरी को आजाद करता है। सभी गाँव वाले लालजी दुष्ट मछुआरे को जेसीबी पे लटका देते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। फिर वह सभी गाँव वाले शैतान की गुफा में घुस जाते हैं, जहां वह शैतान एक जिंदा जलपरी को खाने की तैयारी कर रहा था। सभी गांव वाले शैतान की खूब धुलाई करते हैं। गांव वालों की लाठियों की मार खाकर शैतान वहीं मर जाता है। फिर सरपंच जलपरी को तालाब में छोड़ देता है। सभी जलपरियां गांव वालों का धन्यवाद करती हैं और वापस समुन्द्र में चली जाती हैं। नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। तभी एक मैस्टिक वाला एक गांव में एक गरीब भाई बहन बंटी और गीता रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे, वह अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से किया करते थे। एक दिन बंटी लकड़ी काट रहा था, उसकी बहन गीता कहती है, भैया खाना बनाने के लिए पानी खत्म हो गया है, मैं नदी से पानी ले आती हूँ, इतने आप लकड़ियां इकट्ठा कर लीजिए ताकि खाना बन सके। बंटी कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जल्द से जल्द वापस आ जाना। ऐसा कहकर गीता नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। गीता जैसे ही नदी से पानी लेने लगती है, तभी एक मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी में खींचने लगता है। गीता जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस लड़की को बचाने कोई नहीं आता। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था और वह मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी की गहराइयों में ले जाता है। शाम होने लगती है। बंटी कहता है, अंधेरा होने को है, गीता बहन अभी तक पानी लेकर नहीं आई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, जाकर देखता हूँ। बंटी भी नदी के पास चला जाता है। वह देखता है कि बाल्टी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन गीता कहीं भी नजर नहीं आती। बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी बंटी अचानक नदी में कूदकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन बंटी को कुछ नजर नहीं आता। उसका दम घुटने लग जाता है। बंटी तुरंत बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा बाज बंटी से कहता है, तुम्हारी बहन को एक मैस्टिक वाला शैतान नदी में ले गया, वह शैतान बहुत ही खतरनाक है, मुझे तो श्राप मिला हुआ है और मैं इस पेड़ से हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हें उसे जल्द ही बचाना होगा। बंटी कहता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ, नदी में जाते ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी के चेहरे पर एक ऑक्सीजन का बुलबुला बना देता है। बाज कहता है, लो बंटी, अब तुम नहीं डूबोगे, अब जल्दी जाओ और अपनी बहन को बचाओ। मुझे पता है बंटी कि तुम ही उस शैतानी राक्षस को मारोगे और इस जादुई नदी को उसके चंगुल से आजाद कराओगे। फिर क्या था, बंटी नदी में छलांग लगा देता है और नदी की गहराइयों में चला जाता है। उस ऑक्सीजन वाले बुलबुले की वजह से बंटी नहीं डूबता। बंटी देखता है कि रास्ते में कुछ नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। बंटी कहता है, हे जलपरियों, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी। जलपरियां कहती है,
यह काम उस दुष्ट मैस्टिक वाले शैतान का है। उसने हमारी जादुई नदी पर कब्जा कर लिया है और हमें बंदी बना लिया है। वह तुम्हारी बहन को भी पकड़ कर ले जा रहा था। तुम्हें उसे जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। बंटी कहता है, वह दुष्ट शैतान किस तरफ गया है और वह मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। तभी जलपरी कहती है, वह शैतान के गले में मैस्टिक की माला है। अगर तुम किसी भी तरह उस माला को उसके गले से निकाल दोगे तभी हम आजाद हो जाएंगे और वहाँ जल्दी आकर उसे मार देंगे। ठीक है, मैं उसके गले से माला निकाल लूँगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं पता चले वह हम दोनों भाई बहनों को मार दे। हम तो वैसे ही गरीब हैं। जलपरी कहती है, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और जल्दी जाओ। तभी बंटी नदी में बनी शैतानी गुफा में जाता है और वहाँ देखता है कि उस मैस्टिक वाले शैतान ने उसकी बहन को भी बंदी बना रखा था और उल्टा लटका रखा था। शैतान कहता है, यह लड़की तो बहुत ही मुलायम है, इसे खाऊंगा तो मुझे एक महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसे कल खाऊंगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान अपनी मैस्टिक वाले बिस्तर पर सो जाता है। तभी बंटी देखता है कि उसके गले में मैस्टिक की माला है। जैसे ही शैतान सो जाता है, बंटी चुपके से जाकर पहले तो अपनी बहन को आजाद कर लेता है और फिर धीरे से उसकी माला को निकाल लेता है। जैसे ही वह उसकी माला को निकालता है, सभी जलपरियां आजाद हो जाती हैं और मैस्टिक वाले शैतान की गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन दूसरी तरफ शैतान की नींद भी भंग हो जाती है और वह जग जाता है। बंटी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागता है। शैतान कहता है, ए दुष्ट बच्चे, तूने मेरी नींद भंग कर दी और मेरी माला को लेकर भाग रहा है, अब देख मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। वह मैस्टिक वाला शैतान उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे भागता है, लेकिन तभी वहाँ जलपरियां आ जाती हैं। जलपरियां अपनी शक्ति से मैस्टिक वाले शैतान को उसी की मैस्टिक में बंद कर देती हैं और उसे नदी में दफन कर देती हैं और बंटी से उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती हैं। वह बंटी और गीता को बहुत सारा धन देती हैं, जिससे बंटी और गीता गांव में जाकर एक सुंदर घर बनाकर और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। एक बार एक लालची मछुआरा कुछ जलपरियों पर जाल डालता है, बचाओ बचाओ, और जलपरियों को पकड़कर बाहर ले आता है। मछुआरा कहता है, वाह कितनी सुंदर सुंदर जलपरियां हैं, मैं इनसे करतब करवाकर तमाशा दिखाकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ और लोगों को ये पसंद भी आएगा। ऐसा कहकर मछुआरा उन जलपरियों को उसके द्वारा बनाए गए एक छोटे से तालाब में कैद कर लेता है। मछुआरा कहता है, सुनो जलपरियों, अब तुम कहीं नहीं जा सकती, अब तुम मेरी गुलाम हो, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इसका दंड जरूर दूंगा। एक जलपरी कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तभी मछुआरा तालाब में करंट छोड़ देता है, सभी जलपरियों को करंट लग जाता है। तभी सभी जलपरियां कहती हैं, बहनों हमें इसकी बात माननी होगी, नहीं तो यह हमें करंट देके मार देगा। फिर क्या था, वह मछुआरा जलपरियों का तमाशा दिखाता था, जिससे वहाँ के लोग बहुत खुश होते थे और तालियां बजाते थे। मछुआरे को तमाशा दिखाने के लिए उसे पैसे भी दिया करते थे, जिससे कि मछुआरा अमीर होने लगता है। मछुआरा कहता है, अरे वाह मजा आ गया, ऐसे ही पैसे आते रहे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्कूल में दो गरीब भाई बहन पढ़ा करते थे। टीचर कहती है, तुमने दो महीने से फीस जमा नहीं करवाई, अगर फीस जमा नहीं करवाई तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। गीता कहती है, मैडम जी हम बहुत गरीब हैं, लॉकडाउन की वजह से पापा को कोई काम नहीं मिल रहा, जैसे ही उन्हें कोई काम मिलेगा हम फीस दे देंगे। वहीं एक टीचर आकर कहता है, कल हम एक टूर पर चलेंगे जहां मैं तुम्हें तरह तरह की जलपरियां दिखाऊंगा, इसके लिए सभी को 100-100 रुपए जमा कराने होंगे। गीता और बंटी कहते हैं, सर हमें भी जलपरी देखनी है, आज तक हमने कभी भी नहीं देखी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। टीचर कहता है, यह लो 100 रुपए जमा करा देना और कल सुबह बस जाएगी, उसमें बैठ जाना। अगले दिन सभी बच्चे बस में बैठकर जलपरी को देखने के लिए निकलते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि जलपरियां उछल कूद कर रही थी
यह नज़ारा सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। गीता और बंटी देखते हैं कि एक जलपरी उदास और बीमार लग रही थी। इतने में वहाँ मछुआरा आता है। मछुआरा कहता है, क्यों रे जलपरी, तमाशा क्यों नहीं दिखा रही? जलपरी कहती है, मैं आज बीमार हूँ, मुझसे आज चला भी नहीं जा रहा। लेकिन मछुआरा उसकी एक नहीं सुनता और उसे करंट लगा देता है। मजबूरी में वह जलपरी भी खेल दिखाने लगती है। यह सब देख सब खुश हो जाते हैं, लेकिन बंटी और गीता यह सब देख उदास हो जाते हैं। तभी टीचर कहता है, चलो चलो शाम होने को है, वापस घर भी जाना है, सभी बच्चे बस में बैठ जाओ। ऐसा कहते ही सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं और बस चली जाती है, लेकिन बंटी और गीता नहीं जाते। बंटी कहता है, बहन हमें इन जलपरियों को बचाना होगा, यह दुष्ट मछुआरा पैसे कमाने के चक्कर में इन्हें करंट देके मार देगा, यह बहुत गलत काम है। वहीं जिस जलपरी को मछुआरे ने करंट लगाया था वह रो रही होती है। मंटी कहता है, रो मत बहन, हम तुम्हें बचाएंगे। जलपरी कहती है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन वह मछुआरा तुम्हें भी मार देगा, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तभी रात हो जाती है और वहाँ एक भयंकर मैस्टिक वाली चुड़ैल आ जाती है। वह कहती है, बहुत भूखी हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, क्या करूँ? बंटी यह सब सुन लेता है। बंटी कहता है, यह लो हमारे टिफिन में कुछ खाना बचा हुआ है, तुम खा सकती हो इसे। चुड़ैल वह खाना खा लेती है और कहती है, चलो कुछ तो खाने को मिला, तुम दोनों यहाँ रात को क्या कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? बंटी कहता है, नहीं हम यहाँ इन जलपरियों को बचाने के लिए रुके हुए हैं। एक लालची मछुआरा इन्हें करंट लगाकर इनसे काम करवाता है, हमें कैसे भी करके इन्हें नदी तक पहुँचाना होगा। ठीक है, तुमने मुझे खाना खिलाया इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। मेरे पास एक तरकीब है, मैं मछुआरे को पकड़ूंगी और तुम एक एक करके इन जलपरियों को नदी में छोड़ देना, मैं मछुआरे से तुम्हारी रक्षा करूँगी। तभी वह मछुआरा अपनी करंट लगाने वाली मशीन को लेकर आ रहा था। तभी उसे वह चुड़ैल पकड़ लेती है और कहती है, क्यों रे जलपरियों को करंट लगाकर पैसे कमा रहा है, तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहीं दूसरी तरफ बंटी और गीता एक एक करके जलपरियों को नदी में छोड़ देती है। चुड़ैल लालची मछुआरे को लेकर नदी के पास पहुंच जाती है और वहीं बने थोड़े से तालाब में उसे फेंक देती है। अब मैं तुझे करंट लगाऊंगी, तब तुझे पता लगेगा कैसा लगता है। और उसी की करंट वाली मशीन से उसे करंट लगा देती है। मछुआरा तड़पने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, आज आज के लिए मुझे छोड़ दो और इस तालाब में कभी नहीं आऊंगा। मछुआरे की तड़प देख सभी हंसने लगते हैं। जलपरियां चुड़ैल और दोनों भाई बहन का धन्यवाद करती हैं और समुद्र की तरफ तैर कर निकल जाती हैं। नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। तभी एक मैस्टिक वाला एक गांव में एक गरीब भाई बहन बंटी और गीता रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे, वह अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से किया करते थे। एक दिन बंटी लकड़ी काट रहा था, उसकी बहन गीता कहती है, भैया खाना बनाने के लिए पानी खत्म हो गया है, मैं नदी से पानी ले आती हूँ, इतने आप लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए ताकि खाना बन सके। बंटी कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जल्द से जल्द वापस आ जाना। ऐसा कहकर गीता नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। गीता जैसे ही नदी से पानी लेने लगती है तभी एक मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी में खींचने लगता है। गीता जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस लड़की को बचाने कोई नहीं आता। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था और वह मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी की गहराइयों में ले जाता है। शाम होने लगती है। बंटी कहता है, अंधेरा होने को है, गीता बहन अभी तक पानी लेकर नहीं आई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, जाकर देखता हूँ। बंटी भी नदी के पास चला जाता है। वह देखता है कि बाल्टी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन गीता कहीं भी नजर नहीं आती। बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी बंटी अचानक नदी में कूदकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन बंटी को कुछ नजर नहीं आता। उसका दम घुटने लग जाता है। बंटी तुरंत बाहर आ जाता है और रोने लगता है।
तभी पेड़ पर बैठा बाज बंटी से कहता है, तुम्हारी बहन को एक मैस्टिक वाला शैतान नदी में ले गया। वह शैतान बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो श्राप मिला हुआ है और मैं इस पेड़ से हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हें उसे जल्द ही बचाना होगा। बंटी कहता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ? नदी में जाते ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी के चेहरे पर एक ऑक्सीजन का बुलबुला बना देता है। बाज कहता है, लो बंटी, अब तुम नहीं डूबोगे, अब जल्दी जाओ और अपनी बहन को बचाओ। मुझे पता है बंटी कि तुम ही उस शैतानी राक्षस को मारोगे और इस जादुई नदी को उसके चंगुल से आजाद कराओगे। फिर क्या था, बंटी नदी में छलांग लगा देता है और नदी की गहराइयों में चला जाता है। उस ऑक्सीजन वाले बुलबुले की वजह से बंटी नहीं डूबता। बंटी देखता है कि रास्ते में कुछ नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। बंटी कहता है, हे जलपरियों, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? जलपरियां कहती हैं, यह काम उस दुष्ट मैस्टिक वाले शैतान का है। उसने हमारी जादुई नदी पर कब्जा कर लिया है और हमें बंदी बना लिया है। वह तुम्हारी बहन को भी पकड़ कर ले जा रहा था। तुम्हें उसे जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। बंटी कहता है, वह दुष्ट शैतान किस तरफ गया है और वह मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तभी जलपरी कहती है, वह शैतान के गले में मैस्टिक की माला है। अगर तुम किसी भी तरह उस माला को उसके गले से निकाल दोगे तभी हम आजाद हो जाएंगे और वहाँ जल्दी आकर उसे मार देंगे। ठीक है, मैं उसके गले से माला निकाल लूँगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं पता चले वह हम दोनों भाई बहनों को मार दे। हम तो वैसे ही गरीब हैं। जलपरी कहती है, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और जल्दी जाओ। तभी बंटी नदी में बनी शैतानी गुफा में जाता है और वहाँ देखता है कि उस मैस्टिक वाले शैतान ने उसकी बहन को भी बंदी बना रखा था और उल्टा लटका रखा था। शैतान कहता है, यह लड़की तो बहुत ही मुलायम है, इसे खाऊंगा तो मुझे एक महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसे कल खाऊंगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान अपनी मैस्टिक वाले बिस्तर पर सो जाता है। तभी बंटी देखता है कि उसके गले में मैस्टिक की माला है। जैसे ही शैतान सो जाता है, बंटी चुपके से जाकर पहले तो अपनी बहन को आजाद कर लेता है और फिर धीरे से उसकी माला को निकाल लेता है। जैसे ही वह उसकी माला को निकालता है, सभी जलपरियां आजाद हो जाती हैं और मैस्टिक वाले शैतान की गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन दूसरी तरफ शैतान की नींद भी भंग हो जाती है और वह जग जाता है। बंटी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागता है। शैतान कहता है, ए दुष्ट बच्चे, तूने मेरी नींद भंग कर दी और मेरी माला को लेकर भाग रहा है, अब देख मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। वह मैस्टिक वाला शैतान उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे भागता है, लेकिन तभी वहाँ जलपरियां आ जाती हैं। जलपरियां अपनी शक्ति से मैस्टिक वाले शैतान को उसी की मैस्टिक में बंद कर देती हैं और उसे नदी में दफन कर देती हैं और बंटी से उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती हैं। वह बंटी और गीता को बहुत सारा धन देती हैं, जिससे बंटी और गीता गांव में जाकर एक सुंदर घर बनाकर और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। बहुत समय पहले एक दिन बहुत सारी लालची चुड़ैलें एक गांव में घुस जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो गांव वाले हमें आग लगाकर मार देंगे, लेकिन हमें अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए गांव वालों को मारकर खाना होगा। तभी अचानक उस चुड़ैल को एक माचिस नजर आती है। वह चुड़ैल कहती है, देखो बहनों, ये माचिस, हम इसके अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही कोई इस माचिस को उठाने आएगा हम उसे माचिस के अंदर घसीट लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या था, ऐसा कहते ही सभी चुड़ैल एक एक करके माचिस के अंदर घुस जाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां से गांव के कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं, उनकी नजर माचिस पर पड़ती है। एक लड़का कहता है, अरे भाई देखो माचिस, चलो हम सभी माचिस को इकट्ठा करके माचिस की कार बनाएंगे, बहुत मजा आएगा।
ऐसा कहकर जैसे ही वह बच्चे माचिस को उठाने चलते हैं, तभी सभी चुड़ैले एक एक करके उन सभी लड़कों को माचिस के अंदर घसीट लेती हैं। वह लड़के बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। लेकिन वह चुड़ैले उन्हें गुफा में ले जाकर बंदी बना लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन देखो अभी तो हमारे पास चार इंसान ही हुए हैं, हमें एक इंसान और चाहिए, फिर हम उन्हें अमावस्या की रात को मार देंगे और खा जाएंगे, जिससे हमारी शक्तियाँ हजार गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर वह सभी चुड़ैलें बचे हुए एक लड़के को लेने के लिए गांव की तरफ निकलती हैं। तभी एक चुड़ैल माचिस के अंदर चली जाती है और कहती है, कहाँ है मेरा शिकार, जल्दी से आ जा, फिर मैं तुझे माचिस के अंदर घसीटूंगी। गांव में बच्चों के अचानक गायब होने से हड़कंप मच जाता है। सभी गांव वाले एक एक करके सांपों को मारने लगते हैं। एक सांप कहता है, अरे भाई तुम हम सबको क्यों मार रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना कहते ही वहाँ पर भोलू नागराज और नागिन पहुँच जाते हैं। भोलू नागराज कहता है, इंसान तुम हमारे प्रिय सांपों को क्यों मार रहे हो। वह गांव का व्यक्ति कहता है, नाग देवता हमारे बच्चों को यह सांप उठाकर ले जाते हैं और मारकर खा जाते हैं, इसलिए हम इन सभी सांपों को एक एक करके मार रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तभी भोलू नागराज अपनी शक्तियों से देखता है कि यह सब कौन कर रहा है। भोलू नागराज कहता है, यह देखो गाँव वालों, यह काम ये चुड़ैले मिलकर कर रही हैं और तुम बेवजह ही इन सांपों को मार रहे हो। वह व्यक्ति नागराज से कहता है, नागराज इन चुड़ैलों से हमारे गांव की रक्षा करो, कृपया हमारी मदद करो। नागराज कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा, लेकिन तुम इन सांपों को मारना बंद करो और सभी गांव वालों को बोलो कि वह इन्हें मारना बंद कर दें। तभी सभी गांव वाले नागराज की बात मानकर सांपों को मारना बंद कर देते हैं। बोलू नागराज छोटा होकर एक माचिस में चला जाता है, लेकिन उसमें चुड़ैल नहीं होती। बोलू नागराज कहता है, इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। तभी एक चुड़ैल उस माचिस में घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नागराज को देखकर घबराकर भाग जाती है। फिर नागराज उस माचिस में से निकलकर दूसरी माचिस में भेष बदल कर जाने लगता है। तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल नागराज को माचिस में घसीट लेती है और सीधा गुफा में ले जाती है। गुफा में जाकर वह बाकी बची हुई चुड़ैलों से कहती है, क्या बात तुम कोई इंसान पकड़ कर नहीं लाई। तभी वह चुड़ैल कहती है, बहन हम जैसे ही माचिस में घुसने लगी उसमें नागराज था और हम तो डर के भाग आए, लगता है नागराज को पता लग गया, हमें इन्हें जल्दी ही मारना होगा। बड़ी चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं हमारे पास 5 इंसान हो गए और आज तो अमावस्या की रात भी है, चलो जल्दी से यज्ञ की तैयारी करो, आज हम हजार गुना शक्तिशाली हो ही जाएंगी और ब्रह्मांड पर राज करेंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक यज्ञ की तैयारी करने लगती हैं। तभी भेष बदले हुए नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और उन सभी बच्चों को छुड़ाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन भी आ जाती है। नागराज नागिन से कहता है, नागिन इन्हें सुरक्षित गांव वालों तक पहुंचा दो, इतने मैं चुड़ैल को सबक सिखाता हूं। नागिन उन बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को कैद कर लेता है। चुड़ैलों को पता लग जाता है कि वह मुसीबत में है। वह बाहर आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाती। एक चुड़ैल कहती है, बोलू नागराज तुमने हमें कैद कर अच्छा नहीं किया, हमें आजाद कर दे नहीं तो मारा जाएगा। बोलू नागराज कहता है, चुड़ैल कहीं की तुम्हारी वजह से मेरे कुछ भाई सांप बेवजह ही मारे गए, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को आग लगा देता है और गुफा समेत सभी चुड़ैलों को पाताल लोक पहुंचा देता है। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल को मार देता है। खिलौने बेचने वाली चुड़ैल, यह कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो गांव में खिलौने बेचकर और बच्चों को उठा लिया करती थी। खिलौने ले लो खिलौने, बच्चों के मनपसंद खिलौने, सस्ते खिलौने, मजबूत खिलौने, बच्चों का मन खुश कर देने वाले खिलौने, ले लो भैया खिलौने ले लो, बच्चों को बहुत मजा आएगा।
इतने में एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वह जेसीबी ट्रक दोनों चाहिए, दिला दो ना मम्मी। बच्चे की जिद देखकर चुड़ैल बोलती है, आहा आजा बच्चे जल्दी आजा, मेरे खिलौने तो ले ले। बच्चे की माँ बोलती है, बेटे ऐसे किसी से कोई भी खिलौने नहीं लेने चाहिए, हम तो इसे जानते भी नहीं, कहाँ से कैसे आई हुई है। लेकिन बच्चा फिर भी जिद करने लगता है। बेटे की जिद के कारण माँ बेबस हो जाती है और उसे जेसीबी दिला देती है। ऐसे धीरे धीरे चुड़ैल बहुत सारे खिलौने गांव में बेच देती है। फिर चुड़ैल अपने घर वापस चली जाती है। जैसे ही रात होती है चुड़ैल कहती है, ए मेरे प्यारे खिलौने आओ, सभी बच्चों को अपने साथ मेरे पास ले आओ, आओ आ जाओ। चुड़ैल के इतना कहते ही वह सभी खिलौने जो चुड़ैल गांव में बेचकर आई हुई थी सभी जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लग जाते हैं। जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने लिए होते हैं वह खिलौने उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं। तभी अचानक वह खिलौने घर से बाहर निकलने लगते हैं। बच्चे भी हिप्नोटाइज होने की वजह से खिलौनों के पीछे पीछे चले जाते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाते हैं। चुड़ैल कहती है, ये हुई बात, आ गए सारे के सारे बच्चे, वाह मेरे खिलौनों आ जाओ, अपने तहखाने में चले जाओ। चुड़ैल ऐसा कहते ही उन सभी बच्चों को खिलौनों में बदल देती है। वह किसी को जेसीबी में, किसी को ट्रक में और किसी को क्रेन में बदल देती है और फिर सभी को अपनी रेडी पर रख लेती है। चुड़ैल कहती है, बस अब गांव में कुछ ही बच्चे बच्चे हुए हैं, उन्हें भी अपना गुलाम बना लूंगी और फिर किसी दूसरे गांव चली जाऊंगी और बच्चे उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं, यह खबर तूफान की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले जिनके बच्चे गायब हुए थे रोने लग जाते हैं और सुपर नागराज को याद करने लगते हैं। सुपर नागराज कहाँ हो, हमारी मदद करो, हमारे बच्चे किसी मुसीबत में फंस गए हैं, लगता है यह गांव मुसीबत में है। वहीं दूर बैठे सुपर नागराज को गांव वालों की फरियाद सुनाई देती है। सुपर नागराज बोलता है, लगता है गांव में कोई मुसीबत आ गई है, मुझे जल्दी से जाना होगा। वह वहां से उड़ता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। फिर गांव पहुंच जाता है। गांव वाले सुपर नागराज से कहते हैं, जय हो सुपर नागराज, आप हमारे मसीहा हो, हमारे बच्चे रातों रात गायब हो रहे हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ, हमारी मदद करो। तभी सुपर नागराज सख्ती से देख लेता है कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। नागराज गांव वालों से बोलता है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आती है उसी ने सभी बच्चों को उठाया है, वह वास्तव में एक चुड़ैल है और जो खिलौने चुड़ैल से खरीदे गए थे वही जिंदा होकर बच्चों को अपने साथ ले गए। अब आप दोबारा किसी से भी खिलौने मत खरीदना, इतने मैं बच्चों को बचा कर लाता हूँ। नागराज वहाँ से उड़ जाता है और चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह चुड़ैल के घर में घुसने की कोशिश करता है उसे जोर का झटका लगता है। नागराज कहता है, लगता है चुड़ैल ने इस घर के चारों तरफ अपनी शक्ति फैला रखी है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा। तभी नागराज एक बच्चे में बदल जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। चुड़ैल को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है कोई बच्चा बाहर ही रह गया है, लेकर आती हूँ, आज तो आखिरी रात है, बच्चे कुछ बच्चे भी आ जाएंगे तो मैं दूसरे गांव चली जाऊंगी और बच्चे पकड़ने के लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल घर से बाहर आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल घर से बाहर आती है बच्चा नागराज में बदल जाता है और चुड़ैल पर बहुत सारे सांप छोड़कर उसे जकड़ लेता है, फिर उसे अपनी शक्ति से मारने लगता है। चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे छल कपट से पकड़ा है, यह बात सही नहीं है। नागराज कहता है, पाप को खत्म करने के लिए छल और कपट का भी सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तुमने भी तो छल और कपट से बच्चों को चुराया है। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल वहीं मर जाती है। इतने में सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर क्या था, चुड़ैल के मरते ही जो बच्चे खिलौने बने हुए थे वह सभी ठीक हो जाते हैं। तब सभी गांव वाले नागराज को धन्यवाद करते हैं और बच्चों को लेकर अपने घर खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। फिर सुपर नागराज भी हवा में उड़कर अपने घर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ और लुभावनी चीजों को
बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी बातों को मानना भी चाहिए। ऐसा ना करने पर हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जैसे वह बच्चे फंस गए थे। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। एक समय की बात है, खुद शैतान अपनी गुफा से निकलकर गांव में जाकर मछलियों की खेती किया करते थे। एक शैतान कहता है, अरे भाई इस बार तो खेतों में मछलियां बहुत ही ज्यादा हुई हैं। चलो चुड़ैल रानी के भोजन का समय हो गया, जल्दी से इन मछलियों को बेचते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान मछलियों को लेकर बेचने चले जाते हैं। आओ भाई आओ, मछलियां ले जाओ, बहुत ही ताजा ताजा जमीन से उगाई हुई मछलियां हैं, स्वादिष्ट मछलियां खाओ। तभी गांव का एक व्यक्ति मछलियां खरीदने के लिए आता है। अरे भाई कितने की दिए मछलियां? शैतान कहता है, 10 रुपए किलो। यह तो बहुत ही महंगी है भाई। अच्छा तो तुम्हें सस्ती चाहिए, आ जाओ मेरे साथ, कमरे में बहुत ही सस्ती सस्ती मछलियां रखी हुई हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति शैतान के साथ कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है, वह शैतान उस व्यक्ति की मुंडी काटकर और उसे बोरी में डाल लेता है। सभी शैतान गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर शैतान उस सरकटे व्यक्ति को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानो, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो। जिस दिन मैं 100 आदमी खा लूंगी, मैं तुम्हें शैतान रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम पृथ्वी लोक पर राज करना और जितने चाहे उतने आदमी खाना। अब जाओ और जाकर मछलियों की खेती करो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल शैतानों के खेतों में जाती है और एक मछली को उखाड़ कर खाती है। चुड़ैल कहती है, वाह क्या स्वादिष्ट मछली है। अगर यह मछली इतनी स्वादिष्ट है तो इनकी रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी, उसको भी खाऊंगी। तभी वह शैतान को बुलाती है और कहती है, शैतानों जाओ जलपरी को लेकर आओ, जलपरी को खाते ही मैं तुम्हें शैतान के रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक का महाराजा बना दूंगी। यह बातें बंटी सुन रहा होता है। बंटी भागा भागा जलपरी के पास जाता है और जलपरी से कहता है, क्या हुआ बंटी, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? जलपरी बहन, खुद शैतान और एक भयानक चुड़ैल आपको मारकर खाने की बात कर रहे थे और यहीं आ रहे हैं। तभी जलपरी कहती है, घबराओ नहीं बंटी, उन्हें यहाँ आने दो, लेकिन तुम जल्दी जाओ और सभी गाँव वालों से बोलो कि वह 1000 माचिस की तिल्ली का एक पुल बनाए, वह चुड़ैल माचिस की तिल्ली से ही मारी जाएगी। ऐसा सुनते ही बंटी गांव भागा भागा जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले जल्दी से 1000 माचिस का एक पुल बना देते हैं और जलपरी के पास लेकर पहुंच जाते हैं। तभी बंटी कहता है, जलपरी रानी मेरे पास एक आइडिया है चुड़ैल को इसके ऊपर लाने का। जलपरी कहती है, बताओ बंटी तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तभी बंटी जलपरी के जैसा एक पुतला बनाता है और उसे पुल पर रख देता है। जलपरी यह देख सब समझ जाती है और जैसे ही शैतान और चुड़ैल वहां आने लगते हैं, सभी छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है, जलपरी क्या बात, पानी को छोड़कर इस पुल पर आराम फरमा रही हो? आओ जल्दी आओ और मेरा खाना बन जाओ, तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी बंटी दूर से बोलता है जलपरी की आवाज में, चुड़ैल मैं वहाँ चलकर नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर मुझे खाना होगा। चुड़ैल जलपरी को देखकर इतनी उतावली हो गई थी कि उससे रहा नहीं गया और वह भागी भागी पुल पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि जलपरी असली नहीं है, वह तो एक पुतला है। चुड़ैल कहती है, तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह वापस उतरती, बंटी उस पुल को आग लगा देता है। सभी माचिस की तीली एक एक करके जल जाती हैं और चुड़ैल 1000 माचिस की तीली में जलकर मर जाती है। सभी शैतान ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाते हैं
और वहाँ से भागने लगते हैं। भाई चुड़ैल का काम तमाम हो गया, जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। सभी शैतान गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जलपरी सभी गांव वालों और बंटी को कहती है, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो मदद करो। बहुत पुरानी कहानी है, एक चुड़ैल को भगवान की दया से दो लड़की हो जाती है। चुड़ैल का पति राक्षस वहाँ आकर कहता है, यह क्या, भगवान की दया हुई फिर भी दो लड़कियाँ हो गई, यह मुझे खाना कहाँ से लाकर देंगी, कोई लड़का होता तो मेरी बुढ़ापे में देखभाल भी करता। ऐसा कहकर वह राक्षस उन दोनों लड़कियों को उठाकर वहाँ से ले जाकर और एक कुएं में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उस कुएं में एक डायन घुस जाती है, वह कुआ डायन का अपना ही घर था। डायन जैसे ही अंदर जाती है, दोनों लड़कियों को देखकर डायन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। डायन हैरान होकर बोलती है, भगवान ने मेरी सुन ली, मैं बहुत दिनों से भूखी थी, मुझे तो शिकार अपने आप ही मिल गया। वह डायन जैसे ही उन बच्चियों को खाने लगती है, वे दोनों बच्चियां रोने लग जाती है। उनके रोने की आवाज इच्छाधारी नागिन को सुनाई देती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे ये किन्हीं लड़कियों की आवाज है, लगता है वह मुसीबत में है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन भी कुएं के अंदर चली जाती है। इच्छाधारी नागिन डायन से कहती है, सुन मेरी बात, इन बच्चियों को छोड़ दे और मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे डस लूंगी, मेरा जहर इतना शक्तिशाली है कि तू पल भर में ही मर जाएगी। इच्छाधारी नागिन की ऐसी बातें सुनकर डायन डर जाती है। नागिन दोनों बच्चियों को लेकर नागलोक चली जाती है। डायन कहती है, मुझे ये दोनों बच्ची बहुत पसंद आई, मैं इन्हें कैसे भी हासिल कर लूंगी और खा जाऊंगी। ऐसा कहकर डायन भी नागलोक चली जाती है और चुपके से सब कुछ देखती है। इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है, वह दोनों लड़कियां भी शक्तिशाली हो जाती है। तभी डायन उन दोनों को अकेला पाकर उन दोनों के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर हो, लेकिन वह नागिन तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो एक चुड़ैल है, मैंने अपनी आँखों से देखा था कि यह नागिन तुम्हें चुड़ैल के पास से उठा लाई। दोनों लड़कियाँ कहती हैं, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तभी इच्छाधारी नागिन वहाँ आती है और वह लड़कियाँ नागिन से कहती है, माँ तुम हमारी माँ नहीं हो, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई। नागिन कहती है, ये सच है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ही तुम्हें पाला है। दोनों लड़कियाँ नागिन की बात नहीं मानती और डायन के साथ चली जाती है। डायन उन लड़कियों को पाकर बहुत खुश होती है और धरती लोक चली जाती है। धरती लोक जाकर डायन चुड़ैल को अपने साथ ले लेती है। डायन चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल बहन देखो, तुम भी भूखी हो और मैं भी भूखी हूँ, मैं दो लड़कियाँ पकड़ कर लाई हूँ, यह लड़कियाँ नागिन की बेटी हैं, हम इसे खा लेंगे तो हमें पूरी जिंदगी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुड़ैल डायन की बातों में आ जाती है, लेकिन चुड़ैल को पता नहीं था कि वह उसकी ही बेटी है। डायन और चुड़ैल लड़कियों को एक गुफा में ले जाती है और खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और राक्षस आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन कहती है, चुड़ैल तुम इन लड़कियों को मत खाओ, क्योंकि यह तुम्हारी ही बेटियां हैं, तुम्हारे पति राक्षस ने जन्म लेते ही इन्हें कुएं में फेंक दिया था और उस कुएं में यह डायन थी, यह डायन इन्हें खाने वाली थी, मैंने इन्हें बचाया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। चुड़ैल राक्षस से कहती है, बोलो क्या इच्छाधारी नागिन सही बोल रही है। राक्षस ऐसा सुनते ही अपना सर झुका लेता है। चुड़ैल सब समझ जाती है, लेकिन इतने में डायन दोनों लड़कियों को उठाकर भागने लगती है। चुड़ैल कहती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो मदद करो। तभी राक्षस डायन के आगे आ जाता है, लेकिन राक्षस कमजोर होने की वजह से डायन लात मारकर उसे वहाँ से भगा देती है। तभी इच्छाधारी नागिन सांप का रूप धारण करती है और उड़कर डायन के सामने चली जाती है और फिर से रूप बदल लेती है। इच्छाधारी नागिन डायन को बंदी बना लेती है और उन दोनों लड़कियों को छुड़ा लेती है। तभी इच्छाधारी नागिन डायन को अपनी शक्तियों से पाताल लोक पहुंचा देती है और दोनों बच्चियां बच जाती हैं। चुड़ैल और राक्षस को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।